मैम आप हाउसवाइफ रहते हुए भी और आप किचन गार्डनिंग का काम इतने अच्छे तरीके से संभालती, मतलब देखती हैं, जिसमें आपके वेजिटेबल्स बहुत सारे आपने निकाल मतलब उगाए थे ऑर्गेनिक के द्वारा, तो कुछ हम लोगों को, हम बच्चों को कुछ बताएंगी कैसे आप ऑर्गेनिक खेत मतलब खाद वगैरह करता था? आज के बच्चों को तो ये नॉलेज ही नहीं है कि ऑर्गेनिक होता क्या है, खाद वगैरह, तो आप अपने समय का कुछ बताइए। जब मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में थी राजघाट में, तो मेरे मेरे हस्बैंड उसमें डायरेक्टर थे। तो वहाँ पर मैं जब घर में समय बचता था तो जो घर में छिलके सब्जियाँ के निकलती थी और उसमें और सारे पत्ते डाल करके खाद, गोबर का खाद, थोड़ा उसका जो मूत्र होता था गाय का, सब इकट्ठा करती थी गड्ढे में और उसको करके उसके बाद जो है मैं आलू, टमाटर, गोभी सब लगाती थी। तो पहले जब अर्ली मेरा जो है सब्जियां थी सब इसको लगाने करने से जो पहले तैयार हो जाती थी। जैसे गोभी होता था दशहरे में, मेरा गोभी अपने घर का निकल जाता था, आलू निकल जाता था, टमाटर में जो तार लगा करके और उसमें रस्सी में बांध के मैं लटका देती थी तो उसका नुकसान भी नहीं पहुँचता था। अच्छे अच्छे टमाटर बड़े बड़े निकलते थे और उसका अपने घर में यूज करते थे। जो हमारे फ्रेंड्स लोग आती थी उनको भी देती थी, वो लोग भी खुश रहते थे। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप ही अपने छोटे से घर में आप थोड़ा सा जगह अगर जहाँ हो आप थोड़ा सा मिट्टी डाल करके उसमें खाद डाल करके पौधे लेकर के आप बाहर से अपना घर में नहीं जमा सकती हैं तो छत पे अपने मिट्टी डाल करके आप बाहर से पौधे लेके आप लगा सकती हैं, बीज लेके रोप सकती हैं। बड़ा जब पौधा जब बीज थोड़ा निकल जाए तो उसको अलग अलग रोप सकती हैं। तो ये हमारे हर मतलब स्वास्थ्य के लिए यही काम भी है। और वो स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए, बच्चों के लिए उसका सूप बना को दीजिए, सब देखे बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसलिए हम अक्सर वहाँ से फिर BHU में मेरा हस्बैंड हो गए, डेयरी सुपरिटेंडेंट हुए, तो वहाँ भी मैं ये जो अपना सब्जी लगवाती थी, किचन गार्डनिंग का काम ज़्यादा हमको शौक है और पेड़ पौधे लगाना, तुलसी का पौधा लगाना, ये सब मेरी हॉबी है। अभी भी मैं इस एज में भी अभी जहाँ रहती हूँ मेरे पास जगह तो बहुत कम है, लेकिन उसने में ही मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। कभी तुलसी का पौधा लगा देती हूँ, कभी फ्लावर्स लगा देती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ मुझे अभी भी इस समय भी। और इसमें फायदा ही फायदा है, घर का सामान मिल जाता है खाने का, किचन गार्डन का सामान, और फायदा भी करता है। तो ये सब मैं करती रही। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।